हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कटहल के कबाब। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम उबला हुआ कटहल, आधा कटोरी रोस्टेड बेसन, तेल, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, हींग, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कटा हुआ हरा धनिया। कटहल के बीजों को हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी बीजों को हमने कटहल से निकाल दिया है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें कटहल डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, रोस्टेड किया हुआ बेसन डाल देंगे इसी में, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हींग, गरम मसाला और नमक, कटा हुआ हरा धनिया और एक चम्मच तेल इसी में डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसमें। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर कबाब का आकार इसे दे देंगे। ये देखिए, इसी तरह से सभी कबाब को हम बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब फ्राई पैन में तेल डालेंगे। तेल हमारा अब गर्म हो चुका है और इसमें कबाब को डाल देंगे। इन्हें हम सैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, कबाब को हमने पलट दिया है। एक तरफ से हमारे कबाब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम धीमी ही आंच में पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए, हमने पलट दिया है इधर से। दोनों तरफ से हमारे कबाब पक चुके हैं। और अब इन्हें हम अब निकाल लेंगे। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो देखिए, हमने डीप फ्राई करके भी दिखाया इन्हें। इन्हें हम पलट देंगे, दूसरी तरफ भी पका लेंगे। ये देखिए, इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए पका लेंगे हम इन्हें। ये देखिए, हमारे कबाब पक चुके हैं अब दोनों तरफ से। इन्हें अब हम निकाल लेंगे और अब बनकर तैयार है हमारे कटहल के कबाब। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।